वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ कस्टमाइज चॉकलेट बार। तो उसके लिए मैंने पहले डार्क और मिल्क कंपाउंड को बारीक बारीक करके चॉप कर लिया है। आप लोग अच्छे से चॉप कर लीजिएगा चॉकलेट मेल्ट करने से पहले। तो मैंने यहाँ पे नॉर्मल जो चॉकलेट बार मोल्ड आता है पीवीसी वो यूज़ किया है। आप लोग चाहे तो ये चॉकलेट को माइक्रोवेव में भी मेल्ट कर सकते हैं या फिर डबल बॉयलर प्रोसेस से मेल्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे चॉप चॉकलेट को बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है। उसके बाद हम लोग इसे माइक्रोवेव से मेल्ट कर लेंगे। तो मेल्ट करने के बाद ये कुछ ऐसा होगा। आप लोगों को अच्छे से इसे मिला लेना है ताकि रूम टेम्परेचर पे आ जाए। उसके बाद आप लोग इसे चॉकलेट के मोल्ड में डाल दीजिए। मैंने यहाँ पे हार्ट पॉप मोल्ड लिया है चॉकलेट बार के लिए। यहाँ पे मैंने अच्छे से चॉकलेट को रूम टेम्परेचर में लाने के लिए अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब ये नॉर्मल टेम्परेचर में आ चुका है तो इसीलिए मैंने यहाँ पे हार्ट पॉप चॉकलेट मोल्ड में डाल लिया है। और हार्ड चॉकलेट मोल्ड में डालने के बाद मैंने यहाँ पे छोटे छोटे जो लेटर्स हैं कस्टमाइजेशन के वो डाल लिए हैं। कस्टमर को बर्थडे के लिए चाहिए था तो उन्होंने डेट भी बोल दिया था तो मैंने उसे उस हिसाब से बना दिया है। आप चाहे तो इसे ऑर्डर भी कर सकते हैं व्हाट्सएप करके। तो यहाँ पे मैंने एडिबल चॉकलेट रोज़ यूज़ किया है और आप लोग अगर इसमें नट्स चाहे तो नट्स भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर बस काजू डाला है। आप लोग चाहे कोई भी नट्स डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे स्प्रिंकल्स का भी इस्तेमाल किया है और नट्स आप लोग रोस्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे आमंड जो है वो अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए मैंने नहीं डाला। तो यहाँ पर मैंने स्प्रिंकल्स भी यूज़ कर लिए हैं। आप चाहे तो ऐसे ही जस्ट नॉर्मल लेटर्स के साथ भी पैक कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे गोल्डन शुगर स्प्रिंकल्स यूज़ किए हैं। आप लोग चाहे तो कलरफुल स्प्रिंकल्स भी यूज़ कर सकते हैं। और चॉकलेट को पहले मैं मोल्ड में डालने के पहले जो छोटा सा हार्ट शेप का जो है पार्ट उसमें मैंने कलर वाइट चॉकलेट को कलर करके पिंक कलर करके मैंने डाल लिया था पहले ही। और उसे भी थोड़ा सेट कर लीजिएगा, पूरा फुल सेट नहीं कीजिएगा वरना वो चॉकलेट के साथ टूट जाएगा। तो यहाँ पे ये बन चुका है। अब फ्रीज करके इसे हम डीमोल्ड कर लेंगे। तो डीमोल्ड करके ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये देखिए ये हार्ट पॉप इतना अच्छा आया और शाइन आया क्योंकि मैंने यहाँ पे पूरा हॉट चॉकलेट नहीं बस नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर का चॉकलेट डाला था। अगर आप ज़्यादा हॉट चॉकलेट डालेंगे तो ये जो लेटर्स है वो भी पिघल जाएंगे। यहाँ पे मैंने एडिबल गोल्ड डस्ट यूज़ किया है। ये देखिए अच्छे से मैंने रोज़ और जो लेटर्स हैं 2 जून और हैप्पी बर्थडे श्रुति ये उसके ऊपर अच्छे से डाल लिया है। Thanks for watching my video.